नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव निस्प्रह आपसे बात कर रहा हूं अपने चैनल धर्म रहस्य के माध्यम से। ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष की 60 कन्याओं में एक कन्या का नाम सती था। ब्रह्मा जी के परामर्श पर दक्ष ने आदिशक्ति भगवती की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती ने उनके यहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न होने का वर दिया और उनसे कहा कि मैं महादेव का पति रूप में वरण करूँगी। साथ ही उन्हें सावधान भी किया कि जिस दिन मेरे और शिव के प्रति आपका सम्मान समाप्त हो जाएगा उस दिन मैं देह त्याग कर अपने लोक में चली जाऊंगी। उचित समय आने पर शिवा देवी ने दक्ष के घर सती के रूप में जन्म लिया। सयानी होने पर दक्ष ने उनके विवाह हेतु स्वयंवर का आयोजन किया, परंतु उसमें महादेव को आमंत्रित नहीं किया क्योंकि दक्ष उन्हें अमर्यादित वेशभूषा के कारण सती के योग्य नहीं समझते थे। सती के दृढ़ निश्चय को देखकर महादेव ने स्वयंवर में पधारकर उनकी वरमाला को ग्रहण कर लिया और दक्ष की इच्छा के विरुद्ध उन्हें लेकर कैलाश चले गए। इससे दक्ष का हृदय महादेव के प्रति रोष और घृणा से भर गया। एक बार प्रजापति दक्ष ने अपनी राजधानी कनखल में विराट यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उन्होंने समस्त देवों को और अपने परिवारिकजनों को आमंत्रित किया, परंतु सती और महादेव को निमंत्रण नहीं दिया। जब सती ने रोहिणी को अपने पति चंद्रमा के साथ पिता के यज्ञ में जाते हुए देखा तो वे भी पिता के घर जाने के लिए व्याकुल हो उठी। शिव के बार बार समझाने पर भी उनकी व्याकुलता कम नहीं हुई। तब शिव ने उन्हें अपने गणों के साथ सिंहों से जुते रथ में बैठाकर विदा किया। जब वे पिता के घर पहुंची तो पिता ने उनके प्रति उपेक्षा भाव दिखाया। जब यज्ञ में भी उन्होंने भगवान शिव का यज्ञ भाग नहीं देखा तो इस पर उन्होंने वहां उपस्थित देवगणों और अन्य सदस्यों से घोर आपत्ति जताई। तब दक्ष ने भगवान शिव के प्रति अत्यंत अपमानजनक बातें की। सती अपने पति भगवान शिव के अपमान को सहन नहीं कर सकी और उन्होंने दुखी होकर योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को जला दिया। जब शिवगणों ने क्रोधित होकर वहां उत्पात मचाया तो भृगु ऋषि ने यज्ञ से ऋभु नामक देवों को उत्पन्न किया जिन्होंने शिव गणों को वहां से भगा दिया। जब यह समाचार भगवान शिव को मिला तो वे अत्यंत कुपित हो उठे। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़कर धरती पर पटक दी जिससे अति भयंकर वीरभद्र उत्पन्न हुए। वीरभद्र ने दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया, शिव के विरोधी देवों और ऋषियों को मार पीट कर वहां से भगा दिया और दक्ष का सिर काटकर हवन कुंड में जला दिया। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ भगवान शिव की विनयपूर्वक स्तुति की। प्रसन्न होकर शिव ने दक्ष को वक्रे का सिर लगाकर पुनः जीवित कर दिया और फिर शिव की अनुकंपा से दक्ष का यज्ञ पूर्ण हुआ। सती का जला हुआ शव देखकर शिव विक्षिप्तों की भांति विलाप करने लगे और उनके शव को लेकर वन प्रांतर में भटकने लगे। परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा सती के अंगों को काटना आरंभ कर दिया। सती के विभिन्न अंग पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर गिरे जिससे 51 शक्ति पीठों का निर्माण हुआ। शिव ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि तुम भी त्रेता युग में मनुष्य रूप में जन्म लेकर पत्नी के वियोग में वन वन भटकोगे। फिर शिव ने सर्वप्रधान शक्तिपीठ काम रूप में जाकर भगवती आदिशक्ति की आराधना की। तब भगवती ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर उनसे कहा कि वे शीघ्र ही हिमालय के घर में पार्वती नाम से पुत्री रूप में जन्म लेकर पुनः उन्हें पत्नी के रूप में प्राप्त होंगे। नमस्कार, अभी एक कहानी आपने सुनी। कहानी की प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाए जा सकते हैं, किंतु एक बात निर्विवाद रूप से सत्य है कि वह पुरुष ही है जो अलग अलग मुखौटे पहनकर स्त्री का शोषण करता है। कहीं वे पिता बनकर पुत्री को अपनी इच्छा से विवाह करने के लिए रोकता है और अगर पुत्री उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह कर भी लेती है तो वह पिता उसे और उसके पति का इतना अपमान करता है कि दुखी होकर उसे आत्मदाह करना पड़ता है। दूसरी ओर
वही पुरुष अपने शोषण को महिमामंडित करने के लिए स्त्री को देवी बनाकर मंदिर में स्थापित कर देता है और उसकी पूजा करता है। ये क्या है? आप क्या सोचते हैं इस विषय में? मैं आपसे पूछता हूं, आपसे पूछता हूं और आपसे पूछता हूं, कृपया हमें अपनी राय लिखकर कमेंट करके दें और बताएं कि आप इस विषय में क्या सोचते हैं। अगली कड़ी में मैं एक और नई कहानी के साथ आपके सामने आऊंगा। नमस्कार।